वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंद दोस्तों। सो आज जो हमारा व्लॉग है, जिस जगह हम आए हैं, इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। यू ऑल कैन सी राइट बिहाइंड मी इज द डिवाइन गोल्डन टेम्पल एंड हम आ चुके हैं अमृतसर। सो आज के व्लॉग में ऑफकोर्स हम करने वाले हैं श्री हरिमंदर साहिब, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन टेम्पल के दर्शन। एंड अभी आप देख पाएंगे कि हम थोड़ी देर बाद यहाँ पे रात को भी आने वाले हैं एंड हम दिखाएंगे आपको कि रात को ये गोल्डन टेम्पल कैसा दिखता है। इट इज़ ट्रूली अमेजिंग। एंड उसके बाद हम जाने वाले हैं जलियावाला बाग ऑफकोर्स, एंड उसके बाद हम जाएंगे यहाँ के फेमस ढाबा, दैट इज़ केसर का ढाबा, जहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ का फूड। सो वीडियो में बने रहें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में वाहेगुरु और जय हिंद ज़रूर बोलें। टिल देन सी यू। At last we have reached Golden Temple. ये रहा आपके सामने श्री हरिमंदर साहिब, also known as the Golden Temple in अमृतसर पंजाब। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आई मीन ये जो पूरा मार्केट है, इट इज़ ऑन वन साइड एंड जो ये एरिया है गुरुद्वारे का, इट इज़ ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। आप देख रहे हो ये सुबह का मतलब मौसम है और आज फॉर्चुनेटली गर्मी कम है और मौसम अच्छा है, क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी। आप देख पा रहे होंगे कि कितना ग्रेसफुल है ये डिवाइन गोल्डन टेम्पल। मतलब आई मीन यहाँ पे एक अलग सी शांति मिली है मन को आके। तो चलिए देखते हैं अंदर से कि कैसा है ये गोल्डन टेम्पल। सो गाइस, बिफोर एंटरिंग द गुरुद्वारा विच इज़ फ्रॉम हेयर, वील वॉश आर हैंड्स। सो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कल्चर कि हम अपने हाथ और पैर दोनों धोते हैं। तो अभी हम पहले अपने हाथ धो रहे हैं। घर में कितनी नंगाई दिखाता होगा तू? ये उधर दिखा ना। नाउ फॉर दिस वील वॉश आर फीट। सो पैर धोने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक सिस्टम होता है। सो वेन यू विल एंटर द गुरुद्वारा, सो आपके ऑटोमेटिकली पैर जो है धुल जाएंगे। सो इन दिस वे ये जगह को साफ रखा जाता है। सो गाइस, हियर इज द व्यू ऑफ द गोल्डन टेम्पल एंड बहुत ज़्यादा रश है गाइस, बहुत ज़्यादा रश है। You all can see the majestic golden temple and seriously guys, it's really really beautiful. बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। So guys, this is the main building, this is the main गुरुद्वारा and आप लाइन देख पा रहे होंगे आज 15 अगस्त को कितनी लंबी लाइन है। सो लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओवर देयर एंड टिल देयर। सो मैंने अभी पूछा था जो यहाँ के मतलब सेवक हैं, उन्होंने कहा है कि अप्रॉक्स लाइक 2 से 3 घंटे लग जा रहे हैं लाइन में खड़े खड़े। सो मी एंड जसप्रीत हैज़ डिसाइडेड कि हम शाम को आएंगे, बिकॉज शाम को जब इस पूरे गोल्ड पे जब लाइट पड़ती है, सो इट इज़ वेरी मैग्निफिसेंट टू सी। सो कुछ देर में आप देखेंगे कि रात का दृश्य कैसा है यहाँ का। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं गुरुद्वारा कैसा है। सो गाइज, लाइन बहुत ही लंबी है। आई मीन यहाँ से शुरू हो रही है और आई थिंक अप्रॉक्स 700 to 800 मीटर्स की लाइन है। लाइन भले ही छोटी है बट मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है लाइन की। एंड दिस इज़ द वेटिंग एरिया जस्ट बिफोर द गुरुद्वारा। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। सो गाइज, दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द गुरुद्वारा। अभी हम अपोजिट साइड थे उस साइड पे, अब हम इस साइड आ चुके हैं। सो द एरिया इज़ प्रीटी मच वाइड एंड भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही है।
प्रमाइसेस है, बहुत ही नीट एंड क्लीन रखा गया है। एंड वी ऑल नो यार, जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो साफ़ सफाई में बहुत ध्यान देती है गुरुद्वारों के, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड हमें सबसे सीखना चाहिए। सो गाइस, मौसम ने चार चांद लगा दिया इस जगह पे, व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ रहा है इस टाइम। सो गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण अभी हमने डिसाइड किया है कि हम गुरुद्वारा सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे पूरा का पूरा, एंड उसके बाद हम शाम को दोबारा से आएंगे एंड शाम को आके हम दर्शन की लाइन में लगेंगे। सो फिलहाल अभी हम गुरुद्वारे से बाहर जाएंगे एंड जाके थोड़ा बहुत लंच करेंगे एंड वो सब हम आपको दिखाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि अमृतसर का फूड कैसा है एंड द फेमस केसर ढाबा कैसा लगता है। तो वीडियो में बने रहिए, अब चलते हैं शाम की तरफ। सो गाइज, यू ऑल कैन सी द नाइट व्यू ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द आउटसाइड। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है इस टाइम पे गुरुद्वारा एंड आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड कि जब हम अंदर जाएंगे तो रात का दृश्य कैसा होने वाला। तो चलिए चलते हैं अब सीधा अंदर। गाइज, लेट मी टेल यू ऑल द हिस्ट्री ऑफ अमृतसर एंड द गोल्डन टेम्पल। अमृतसर वॉज फाउंडेड बाई द फोर्थ सिख गुरु, दैट इज रामदास जी, एंड आफ्टर दैट ही वॉज द वन हु बिल्ड द होली पूल विच सराउंड द गोल्डन टेम्पल। एंड उसके बाद द फिफ्थ गुरु, गुरु अर्जन देव जी, वॉज द वन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल। एंड आफ्टर दैट महाराजा रंजीत सिंह वॉज द वन हु गेव 400 kg ऑफ गोल्ड टू बिल्ड द अपर हाफ ऑफ द टेम्पल। एंड लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइज, आप अगर यहाँ का आंकड़ा जानना चाहते हैं लंगर का, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अप्रॉक्स अराउंड 20,000 to 30,000 लोग ऑन अ डेली बेसिस यहाँ पे लंगर खाते हैं। एंड समटाइम्स ये जो पूरा आंकड़ा है ये 100,000 तक चला जाता है। सो यू जस्ट कैन इमेजिन कि कितने लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। एंड तभी यहाँ पे बड़े बड़े लोग रिसर्च करते हैं दैट हाउ दिस थिंग इज़ बीइंग मैनेज्ड। सो आई एम ट्रूली सरप्राइज गाइस। सो वीडियो में बने रहें, आगे हम आपको कई और दृश्य दिखाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब मैंने इतना ज़्यादा कोई मतलब ब्यूटीफुल गुरुद्वारा नहीं देखा अपनी लाइफ में। लिटरली मैं आपसे मतलब 5-6 साल पहले आया था और उसके बाद से अब तक की जो डेवलपमेंट है इट इज़ मैग्निफिसेंट। बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन करा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इट्स लाइक हेवन। तो गाइस, फाइनली हमारे दर्शन हो गए गोल्डन टेम्पल के। तो जसप्रीत, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहे दर्शन? बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। हम भी यही बेस्ट सलाह देंगे आपको कि रात को ही दर्शन करें, दिन में बहुत ज़्यादा रश होता है, रात को कोई दिक्कत नहीं आई हमें और बड़े अच्छे दर्शन हो गए। सच में जसप्रीत ने बिल्कुल सही कहा गाइस, अगर आपको आना है तो आप यहाँ पे लाइक आफ्टर 6 or 7 आइए, यार रश काफ़ी कम हो जाता है, दिन में बहुत ज़्यादा रश होता है। एंड इवेंचुअली आज तो वी वर लकी कि यहाँ पे दिन में मौसम ठंडा था, ठीक था, अच्छा था, बट वैसे बहुत गर्मी होती है। सो अगर आपको आना है कन्वीनियंटली दर्शन करने हैं, बहुत अच्छे से दर्शन करने हैं, तो आप इस टाइम आइए, रात के टाइम आइए। एंड दिस इज़ द लास्ट लुक ऑफ द गुरुद्वारा एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। टिल देन सी यू, दिस इज़ आयुष फ्रॉम बॉर्डर एंड बियॉन्ड, अंटिल नेक्स्ट टाइम।